हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानी स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि यदि किसी व्यक्ति को दमा रोग हो जाता है तो उसे किस तरह की सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह रोग जो होता है काफ़ी घातक होता है और ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपना बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखें और काफ़ी सारी सावधानियाँ भी बरतें। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति को भी दमा या अस्थमा रोग होता है उन्हें भोजन में मिर्च मसाले वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, ये इनकी सेहत के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। इसके अलावा धूल और धुएं वाले वातावरण से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे वातावरण में रोग बढ़ने की जो संभावना होती है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, दमा रोग का एक कारण होता है मानसिक तनाव, ज़्यादा चिंता करना, ज़्यादा क्रोध करना, तो आप इन सब चीज़ों से भी बचिए। मानसिक तनाव, लड़ाई झगड़े, इन सब चीज़ों से आप बचिए, क्योंकि आपके लिए जितना ज़्यादा आप आराम करेंगे आपको अस्थमा को ठीक करने में उतनी ही ज़्यादा मदद मिलेगी। और यह आपके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी है कि आप ज़्यादा मानसिक तनाव ना लें। इसके अलावा अस्थमा रोग के बारे में अपने और अपने परिवार की जानकारी बढ़ाएं, ताकि उन्हें अच्छी तरह से इसे कंट्रोल करने में मदद मिल सके और आप भी इस रोग के बारे में अच्छी तरह से चीज़ों को समझें और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, डॉक्टर की दी हुई सलाह को आप माने, तो यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। घर में अच्छी से साफ़ सफाई रखें, तकिए के कवर, चादर, जिन पर भी रोगी सोता है उस पर ज़्यादा धूल के कारण बैठ जाते हैं, तो आप ऐसे में क्या करें कि इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ध्यान से रखें, क्योंकि जो दमा रोग होता है वह श्वास से संबंधित रोग होता है और ऐसे में यदि धूल और मिट्टी पॉल्यूशन के संपर्क में वह आता है तो इससे उसे काफ़ी दिक्कत हो सकती है सांस लेने में। तो आप इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखें कि आपके घर में ज़्यादा धूल मिट्टी पॉल्यूशन ना आए। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी जानकारी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले